अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 से 10 सितंबर के बीच में दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन के लिए आ रहे हैं। वो अपने खास विमान एयरफोर्स वन में सवार होकर दिल्ली पहुंचेंगे। इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है। जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति कभी भी विदेश दौरे पर जाते हैं या किसी कोने में जाना होता है तो उनके साथ पूरा लाओ लश्कर चलता है, पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम होता है और वो खुद उनकी FBI यानी उनकी खुद की एजेंसी करती है। वो किसी देश की सुरक्षा के भरोसे नहीं रहते। इसके अलावा जिस प्लेन में अमेरिका के राष्ट्रपति उड़ान भरते हैं वो भी इतना हाईटेक है कि हवा में रहते हुए भी राष्ट्रपति तमाम काम कर सकते हैं। उन्हें ये फील ही नहीं होता कि अपने व्हाइट हाउस से वो बाहर है। उनके विमान में कोई भी हमला होना नामुमकिन सी बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान में क्या खास बातें हैं उन्हीं को लेकर मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति को लाने और ले जाने वाले प्लेन को ही अमेरिका में फोर्स वन कहा जाता है और ये प्लेन अपने आप में एक छोटा व्हाइट हाउस माना जाता है। अमेरिका पर किसी भी तरह के हमले की स्थिति में ये प्लेन एक कमांड सेंटर में तब्दील हो जाता है, यानी वहीं से बैठकर हवा में रहते हुए भी प्रेसिडेंट तमाम तरह के फैसले और कमांड दे सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति मुख्य तौर पर 2 बोइंग 747 200B विमानों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें बहुत अधिक कस्टमाइज किया गया है। इन विमानों के टेल कोड हैं 28,000-29,000। राष्ट्रपति के लिए तैयार किए गए इन विमानों को अत्याधुनिक सेल्फ डिफेंस सिस्टम से लैस किया गया है, यानी बेहद सुरक्षित बनाया गया है। इसकी मदद से वो हमला करने वाले मिसाइल तक को चकमा दे सकते हैं, यानी इसको कोई मिसाइल छू तक नहीं सकता। राष्ट्रपति के बोइंग 747 और 200B इतना सुविधाजनक है कि किसी भी रेंज में इसको उड़ाया जा सकता है और किसी भी असीमित सीमा तक ये जा सकता है। ये विमान एक ही जहाज में अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया के किसी भी हिस्से में एक उड़ान में पहुंचा सकता है। विमान के इलेक्ट्रॉनिक्स को विद्युत चुंबकीय पल्स से बचाने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। इसमें बेहद सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है, यानी कभी भी दुनिया में कहीं से बैठकर वो बात कर सकते हैं। इससे वो अमेरिका पर हमले के स्थिति में उड़ने वाले कमांड सेंटर के रूप में भी काम कर सकते हैं। विमान के 3 फ्लोर हैं और 4,000 वर्ग फीट की जगह। ये उड़ने वाले घर और ऑफिस की तरह काम करता है। इसमें राष्ट्रपति के लिए एक सुइट, एक ऑफिस, शौचालय, कॉन्फ्रेंस हॉल, एयरफोर्स के तमाम वो मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं जो इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है। इसमें जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन तक किया जा सकता है, यानी ऑपरेशन थिएटर भी अपने आप में है। एक डॉक्टर इस विमान में हमेशा तैनात रहते हैं। जैसे भारत में किसी भी फ्लीट के साथ एक एम्बुलेंस चलती है और उसमें उनके साथ में एक डॉक्टर। विमान में एक बड़ा किचन भी है, यानी एक बार में यहाँ पर 100 लोगों को बैठा कर खाना खिलाया जा सकता है। और ये इतना बड़ा है और इतना आलीशान है कि ये चलते विमान में इसमें खाना आराम से पकाया जा सकता है। राष्ट्रपति के साथ उनके सीनियर एडवाइजर, सीक्रेट सर्विस से जुड़े हुए अधिकारी और तमाम लोग इसी विमान में यात्रा करते हैं। उनके लिए विमान में क्वार्टर तक बने हैं। अमरीकी राष्ट्रपति जहाँ भी जाते हैं उनके साथ काफिले के तौर पर कारें और अन्य सामान भी साथ में जाता है। इसके लिए कई मालवाहक विमान आम तौर पर एयरफोर्स वन के आगे आगे उड़ते हुए चलते हैं। राष्ट्रपति अगर किसी भी हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ने वाले हों जहां खतरा हो तो एयरफोर्स वन के साथ अमरीकी विमान भी उड़ान भरते हैं। एयरफोर्स वन का रखरखाव और इसकी देखरेख प्रेसिडेंशियल एयरलिफ्ट ग्रुप द्वारा किया जाता है। एयरलिफ्ट ग्रुप की स्थापना 1944 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के निर्देश पर राष्ट्रपति पायलट कार्यालय की ओर से तैयार किया गया था। यानी ये इतना हाईटेक है कि जब ये दिल्ली के शहर के ऊपर से उड़ेगा और एयरपोर्ट पर उतरेगा तो इसको देखते ही बनेगा। इसके साथ ही G20 को लेकर के पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पहले से कड़ी की गई, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के आने की वजह से यहाँ पर और सुरक्षा टाइट कर दी गई। उनके साथ जो काफिला चलेगा उसमें बख्तरबंद गाड़ियों समेत बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बम रोधक गाड़ियां चलेंगी और उनका काफिला तकरीबन 60 गाड़ियों के बराबर होगा। यानी दिल्ली में उनके आसपास कोई परिंदा भी फटक नहीं पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।